Hello and welcome students. Today we are going to see a new chapter in our English Bal Bharati book. Okay? तो आपको आज English Bal Bharati की book open करनी है, ठीक है? Take out page number 42 page number निकालिए. उसमें आज हम लोग एक new lesson देखने वाले हैं. Lesson number 19, The Ugly Duckling. Okay? अगली मतलब क्या, जो दिखने में अच्छा नहीं है उसको हम इसमें अगली बोलते हैं, ठीक है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर है ना, तो सुंदर का ऑपोजिट क्या है, अगली. ओके, तो अगली डकलिन की ये स्टोरी है. ओके, जो डक्स के बेबीज होते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं, डकलिंग. ओके, Mother Duck was really proud of her 6 new ducklings. मतलब जो Mother Duck है वो अपने 6 duckling के बहुत चाहती थी, उनके लिए बहुत proud feel करती थी वो. Okay? They were soft, fluffy and yellow. कैसे थे वो? बहुत ही soft थे, fluffy थे. मतलब उनके जो पंख थे वो बहुत सारे थे, उसको फ्लफी बोलते हैं. और कौन से कलर के थे? येलो. सच फाइन लिटिल डकलिंग्स, वाओ इतने सुंदर डकलिंग्स थे वो. बट द सेवेंथ वन वाज वेरी डिफरेंट, बट जो सेवेंथ वाला जो डकलिंग था वो इन सब से बहुत अलग था, डिफरेंट था. इट वाज बिगर एंड इट्स फेदर वेयर ग्रे. मतलब वो बहुत बड़ा भी था और उसके फेदर्स कैसे थे, ग्रे कलर के एंड शैगी, ग्रे एंड शैगी थे. इट लुक्ड सो अगली, इसलिए वो बहुत ही अलग और थोड़ा खराब लगता था. मतलब वो इन सब से बहुत अलग था, ग्रे कलर में था, डार्क कलर में था. आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, ये है वो, है ना. तो ये सेवेंथ नंबर का है और ये सब सिक्स वाले बहुत ही सुंदर है, इसको अगली बोला गया है यहाँ पर, ठीक है. एक्चुअली अगली कोई नहीं होता है, हर किसी को भगवान ने बनाया हुआ है, अपने हाथ में थोड़ी ना होता है कि अपन कौन से कलर के बने, है ना. इसलिए कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली. ऑल द सेम मदर डग थॉट इट्स माई बेबी डकलिंग. लेकिन मदर डक हर किसी को एक जैसा ही चाहती थी, उसके लिए तो सारे डकलिंग एक जैसे थे, सभी को वो उतना ही प्यार करती थी जितना वो सिक्स को करती थी, उसी उतना ही वो सेवेंथ वाले को भी करती थी. बट द अदर सिक्स ब्रदर एंड सिस्टर डिड नॉट लाइक द अगली डकलिंग. लेकिन ये जो 6 ब्रदर सिस्टर्स थे इनको वो अगली डकलिंग अच्छा नहीं लगता था. When it waddled towards them, they turned their back and ran away. जब भी वो अगली डकलिंग उनके साथ जाता था तो वो लोग उससे मुंह फेर लेते थे, दूसरी तरफ मोड़ ले लेते थे. The little duckling would go for a swim every day to the lake nearby. तो वो हमेशा स्विम करने के लिए दूसरी जगह पर, दूसरा जो लेक था वहां पर जाता था. The ugly duckling wanted to join the others. बट दे डिड नॉट वॉन्ट हिम. वो हमेशा चाहता था कि दूसरे अगली डकलिन के साथ वो ज्वाइन हो, लेकिन दूसरे उसको अपने साथ नहीं लेते थे. दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम. वो उससे दूर भागते थे. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. वो हमेशा अकेला रह जाता था. द अगली डकलिन स्वैम बेटर देन द अदर डकलिन. एक्चुअली वो अगली तो था लेकिन वो स्विमिंग करने में बहुत ही अच्छा था, उसका वो बहुत अच्छे से स्वैम कर पाता था. विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल. और ये वाली चीज से वो लोग कभी भी उससे कभी खुश नहीं हुए. दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस. उसकी उसको अगलीनेस पर, उसके दिखने पर वो हमेशा उसको चिढ़ाते रहते थे. टीज करना मतलब चिढ़ाना. हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर. उसका एक ही फ्रेंड है वो, कौन, उसकी मदर. अदर डॉग्स टोल्ड हिज मदर.
ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट, सभी डकलिंग्स आपके अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो बड़ा वाला है ना, ये ही बहुत अलग है. बट दिस बिग फेलो लुक सो डिफरेंट, वाई इज ही सो अगली, ये इतना गंदा क्यों है, ऐसे गंदा क्यों दिखता है ये. हिज मदर ओनली सेड ही इज माइन एंड आई लव हिम टू, वो मेरा है और मैं उसे उतना ही प्यार करती हूँ. एट लास्ट फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, अब देखो वो अकेला हो गया था, उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, तो वो कैसा हो गया था, सैड और लोनली, मतलब बहुत अकेलापन महसूस होता था उसे. द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक, अब उसने क्या सोच लिया था कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है इस लेक में. ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विद द रिवर, और वो रिवर के किनारे पर वहां पर ही वो स्विम करता था, और रिवर के साथ साथ वो आगे, अब जैसे रिवर आगे बहती है उसके किनारे किनारे वो आगे की तरफ चला गया. क्यों? तो वो अब खुद को बहुत अकेला महसूस करता था, सैड फील करता था, सब लोग उससे नफरत करते थे, कोई उसके साथ में नहीं रहता था. तो उसने क्या कर लिया, अपनी जगह ही बदल दी, और वो अब दूसरी जगह पर क्या करने लगा, स्विम करने लगा. अंडरस्टूड टिल हियर? इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.